This video is only for educational purpose. We not promote any illegal activities. Please make sure before analyzing application that you have the approval of the owner and author of the applications you analyzing. Hacking is a crime. Me and YouTube are not responsible for the way. दोस्तों चैनल में अगर आप नए तो दोस्तों सब्सक्राइब को दबा दो, साइड में जब आपका बेल घंटी दिख रहा है उसके जरूर से बजा दो ताकि आपको वीडियो डालते ही पहले मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप गाइस, मैं आज आपके लिए लेकर कमाल के 3 थीम्स और इसके साथ एक बोनस थीम। और यहाँ पे मैं आज आपको जिस थीम्स के बारे बताने वाला हूँ वो MIUI 10 बेस्ड है। और यहाँ पे ये सभी थीम्स आपको लगने वाले बिल्कुल इंप्रेसिव, ब्यूटीफुल एंड माइंड ब्लोइंग। तो उसके लिए वीडियो को देखते रहे और उसके साथ आखिर में जो आपको मैं बोनस थीम के बारे में बताऊंगा और वो थीम होगा लाजवाब, तो इसलिए वीडियो को देखते रहे। साथ व्हाट्सअप को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में को लिंक मिल जाएगा, जरूर से जाइए और जाके ज्वाइन कर लीजिए। और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके जरूर से लाइक एंड फॉलो कर लीजिए। तो फिर चलिए, मैं हूं आप द टेक्निकल स्टार मार्क। तो फिर चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। चलिए हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। यहाँ पे आने के बाद चलते हैं अपने थीम स्टोर पर। यहाँ पे मैं आपके लिए सेव करके रखा हूँ वो चारों थीम्स। और यहाँ पे अगर हम चलते हैं तो पहला जो हमारा माइंड ब्लोइंग थीम होने वाला है उसका नाम है फ्रेंड्स पिक्सेल प्रो DWM19। और ये थीम फ्रेंड्स मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया है जो थीम मैं आपको पहले दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो नेविगेशन बार है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। और यहाँ पे आपको जो बैकग्राउंड में इमेज देखने को मिलेगा बिल्कुल ही पोर्ट्रेट इमेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे आइकॉन्स की अगर बात करें, आइकॉन्स भी यहाँ पे माइंड ब्लोइंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आइकॉन्स आपको माइंड ब्लोइंग देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ अगर ऊपर में नोटिफिकेशन टॉगल की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल एक एंड्रॉयड वन फ़ोन की तरह आपको यहाँ पे लगेगा। यानी कि ब्राइटनेस में आपको कोई भी ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। और ऊपर से चलते हैं हम अपने बैटरी की तरफ और अपने यहाँ पे नेटवर्क की तरफ, तो यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे और बढ़िया जो कि देखने में लगता है। उसके बाद चलते हैं अगर हम अपने सेटिंग में, तो सेटिंग में भी आपको यहाँ पे एंड्रॉयड फीलिंग आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर आप चलते हैं अपने कॉल में, तो कॉल में भी आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेगा। ओवरऑल यहाँ पे अगर आप वॉइजेस देख के टाइम वॉइजेस वो भी देखने में काफ़ी इंप्रेसिव लगता है। तो यहाँ पे ये जो थीम होने वाला है बहुत ही बढ़िया जो कि मैंने आपको पहले दिखा। उसके बाद अगर हम इसका लॉक स्क्रीन की बात करें तो लॉक स्क्रीन यहाँ पे देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। और ऊपर से यहाँ पे आपको एक म्यूजिक का भी ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पे टैप करने से आपको यहाँ पे डायरेक्ट म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको ओपन करने के बाद आपको सीधा सामने होम स्क्रीन कुछ इस टाइप का दिखा। तो ओवरऑल ये जो थीम है ये थीम काफ़ी बढ़िया है आपके लिए। आपको ये थीम कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं OnePlus 7 Pro DWM19। और यहाँ पे अगर मैं इस थीम को अप्लाई करता हूँ, बेसिकली ये जो थीम है फ्रेंड्स OnePlus 7 Pro बेस्ड है, यानी कि उसका जो लोगो एनिमेशन वॉलपेपर को मिला के ये थीम बनाया गया है। और यहाँ पे अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे वॉलपेपर देखने को मिलेगा जो देखने में काफ़ी इंप्रेसिव है। और यहाँ पे अगर ऊपर आपको यहाँ से एक मिनट ऊपर से अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइटनेस को कम कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे ब्राइटनेस को अगर कम कर दूँ तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे आपको ब्यूटीफुल आइकॉन्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ से ऊपर को मैं अगर यहाँ पे नोटिफिकेशन टॉगल को डाउन करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं डाउन करने के बाद आपको एकदम एंड्रॉयड का फीलिंग आएगा। और यहाँ पे ब्राइटनेस का आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। और ऊपर यहाँ पे बैटरी और यहाँ पे देख सकते हैं नेटवर्क का भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से चेंजेस देखने को मिल रहा है। सेटिंग की बात करें आपको यहाँ पे प्योर एंड्रॉयड का सेटिंग देखने को मिलेगा जहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे स्मॉल आइकॉन्स के साथ आपको देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ये फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया है। और जहाँ पे आपका यहाँ पे आपका कॉलिंग भी यहाँ पे चेंज होने वाला है तो ऊपर से आपको देखेंगे बहुत ही बढ़िया आपको ये थीम लगने वाला है। ओवरऑल फ्रेंड्स अगर हम इसका लॉक स्क्रीन की बात करें, लॉक स्क्रीन आपको इस टाइप का कुछ देखने को मिलेगा जहाँ पे ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे वॉइजेस देखने को मिलेगा, टाइम वॉइजेस जो कि देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो ओवरऑल आप इस थीम को ट्राई कर सकते हैं। आपको ये थीम कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। उसके बाद चलते अगर हमने आखिरी थीम में, और यहाँ पे आखिरी थीम उसका नाम है OxygenOS 9 Dark DWM19। और यहाँ पे अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो अप्लाई होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे मैं होम बटन में प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं नेविगेशन बार भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। और यहाँ पे आइकॉन्स जो है बहुत ही इंप्रेसिव आपको दिख रहे होंगे, आइकॉन्स आपको बहुत ही इंप्रेसिव दिख रहे होंगे। और यहाँ पे आइकॉन्स को छोड़ने के बाद ओवरऑल जो यहाँ पे आपके सामने जो पिक्चर है वो भी वॉलपेपर भी बहुत बढ़िया दिख रहा है। और यहाँ पे जो
टाइम का और यहाँ पे डेट का जो विजिट है वो भी बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे आइकॉन देख सकते हैं, आइकॉन बहुत ही स्मॉल, जिन लोगों को स्मॉल आइकॉन पसंद है उसके लिए बहुत ही बढ़िया थीम है। और ऊपर से अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको डार्क मोड नोटिफिकेशन बैनर देखने को मिलता है और यहाँ पे एक नई तरह का आपको ब्राइटनेस का भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे अगर हम अपनी सेटिंग की बात करें तो और एक बात में बैटरी और नेटवर्क का भी आप देख सकते हैं, दोनों ही चेंजेस आपको देखने को मिल जाएगा। सेटिंग की भी आपको डार्क मोड में देखने को मिलेगा और ये फिर बेसिकली एमुलेट सेटिंग है, जहाँ पे नीचे जो नेविगेशन बार है वो भी दिखना ब्लैक एंड वाइट में बहुत ही इंप्रेसिव देखने को मिल रहा है आपको। और ऊपर से अगर आप यहाँ पे लॉक स्क्रीन की बात करें, लॉक स्क्रीन भी बहुत ही बढ़िया एकदम नॉर्मल की तरह दिखेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम नॉर्मली एकदम बहुत ही बढ़िया आपको देखने लगेगा। और ऊपर से लॉक स्क्रीन में आपको यहाँ पे फिंगर का आपका देख सकते हैं छोटा सा आइकॉन देखने मिला जो देखने बहुत ही इंप्रेसिव लगता है। तो ओवरऑल ये थीम आपको कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। तो फ्रेंड्स अब मैंने आपको पहला जो मेरा स्पेशल थीम था वो मैंने आपको दिखा दिया और उसके बाद हम चलते अपने बोनस थीम। और ये जो बोनस थीम होने वाला है बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि फ्रेंड्स ये जो बोनस थीम है मेरे बहुत ही पसंद का है और ये जो है बेसिकली डार्क मोड पर बेस्ड है। तो यहाँ पे मैंने इसको अप्लाई कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये जो है हाफ डिग्री इसका नाम है, ये कोई सिनेमा का सॉन्ग नहीं है, हाफ डिग्री, ठीक है, हाफ डिग्री इसका नाम है। और ये सभी थीम आपको थीम स्टोर में मिल जाएगा तो आप ज़रूर से इस थीम्स को देखेंगे। और यहाँ पे अप्लाई तो मैंने कर दिया है, ठीक है, और इसको अप्लाई कर देने के बाद तो यहाँ पे हम करते हैं अपने होम स्क्रीन को प्रेस और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो नेविगेशन बार है वो एकदम एंड्रॉयड की तरह चेंज हो गया है और यहाँ पे जो सारे आइकॉन्स है वो भी बड़ी तरह से चेंज हो चुका है। बेसिकली ये डार्क मोड पर है तो डार्क वॉलपेपर के साथ ये जो आइकॉन्स है देखने में काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है। ऊपर से अगर देखिए आपको बेसिक नेचुरल टिपिकल सा आपको यहाँ पे नेविगेशन बार देखने को मिल जाएगा और ऊपर सभी कुछ आपको नेविगेशन बार देखने को मिलेगा बैटरी से लेकर नेटवर्क। तो अगर हम सेटिंग में जाते हैं सेटिंग में भी आपको ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले, बेसिक सा चीप सा वही पुराना नेविगेशन देखने को मिलेगा। लेकिन फिर यहाँ पे अगर हम लॉक स्क्रीन की बात करें तो लॉक स्क्रीन पे देख सकते हैं कितना बढ़िया सा आपको विजेट्स के साथ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो मेन चीज़ है मैंने इसका ब्लैक के ऊपर जो आइकॉन्स है आइकॉन्स की वजह से मैंने इसको अपने बोनस में चूज़ किया है। तो आपको इन चारों थीम में से कौन सा बढ़िया लगा आप जरूर मुझे कमेंट में बता सकते हैं और ये चारों थीम आपको थीम स्टोर में मिल जाएंगे। आप सीधा नाम देखेंगे और सर्च करेंगे आपको डाउनलोड लिंक वहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स ओवरऑल ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल में अगर आप नया तो दोस्तों को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पे वीडियो को अगर पसंद आए तो शेयर भी करना। तो चलिए मिलता हमारे नेक्स्ट वीडियो में।